एक बहुत मधुर आवाज, वो आवाज देने जा रहा है जब शिवानी के मोहताजे तारुप में ही सारा जमाना जानता है। आइए उस दाद से मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप पर एक हुसैनी रंग चढ़े। पढ़े लिखे दानिश वाले को मिलक निगाहों के सामने है, यूँ कह दीजिए कि उत्तरी बिहार के दिल व दिमाग मेंबर नूर पे है। इनके कदमों को पोसा देता हुआ, इनके कदम पोसी करता हुआ आपके बारगाह आलिया में शेर हलचल सिवानी अर्ज करने जा रहा। अगर अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बतों से नमा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मेरे मोबाइल पर शिकायत दर्ज कर दीजिएगा। शेर सुनिए, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, अजब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। देख अब शेर सुनिए, मुझे दावा है कि उलमा की तरफ से दाद मिलेगी। बिलखुसूस हाशिम साहब शेर सुनिए, किबला शेर पढ़े। यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, शायद भाई यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, यूं तो खुदा से मांगने जन्नत गया था मैं, कर्बोबला को देख के नियत बदल गई, कर्बोबला को देख के नियत बदल गई। शेर समझ में नहीं आया इसलिए कहता हूँ पढ़ो यार, पकौली मदरसा में नाम लिखा लीजिए, बहुत काम होगा, बहुत भलाई हो जाएगी आपके। जाइए, हालांकि मैंने हजरत से पूछा कि मदरसा खुल गया तो हजरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खुल गया, कोरोना की मौत हो गई। अरे हम कहो यार अमीन कोरोना मर जाए, पढ़ने का अंदाज बहुत अच्छा है, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, बता दीजिए काम हुसैनी है, अब बता दो कौन हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा बात, मौला हाशिम साहब दोनों हाथ कैसे उठाएंगे, दोनों हाथ तो मोबाइल में फंसा हुआ यार, कैसे उठाओगे। एक एक बच्चा खाना खा रहा था और खाना खाते खाते अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दाल रोटी आपने दी है, दाल में ना नमक है ना तेल है ना मसाला है। मैंने कहा गजब बेटा है यार, मैंने तो खाना दाल रोटी दिया, खा लो। जब माँ के करीब आई एक चाटी मारी, कहा नालायक तू क्या कर रहा, तू तो मोबाइल देख रहा, तुझे रोटी करने वाला दाल में डालना चाहिए, तू मोबाइल के चक्कर में पानी में डाल रहा है। भैया ये मोबाइल बंद करो। किसी शायर ने बहुत पहले कहा था कि निजात की जब भी अपील करना, निजात की जब भी अपील करना, हुसैन को अपना वकील करना। आप समाप्त कर रहे हैं इस मीडिया की हसीन पेशकश के धो कलम को मुश्क से फिर मिदहत सरकार लिख, धो कलम को, धो कलम को मुश्क से फिर मिदहत सरकार लिख, नाम लिख अखबार, नाम लिख अखबार, नाम लिख अखबार, सल्लल्लाह को सौ बार लिख, धो कलम को मुश्क से फिर मिदहत सरकार लिख, मुस्तफा वल मुर्तजा वबुना हुमा वल फातिमा, मुस्तफा वल मुर्तजा वबुना हुमा वल फातिमा, के हर बला टल जाएगी, हर बला टल जाएगी, ये पर सरे दीवार लिख, धो कलम को मुश्क से फिर मिदहत सरकार लिख, धो कलम को, धो कलम को, धो कलम को, धो कलम को। वो शेर आ रहा है जिस शेर का इंतजार पूरा भारत करता है,
आपको आपके नबी ने कौन सा हथियार दिया? हबीबुल्ला फैजी का शेर सुनिए, शेर याद रखिएगा, एक बार कह दें सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कौन सा हथियार उम्मत को दिया? मुस्तफा ने कौन सा हथियार उम्मत को दिया? जब ये कोई पूछ रे जब ये कोई पूछ ले जब ये कोई पूछ ले जब ये कोई पूछ ले इखलाक की तलवार ले तेरे मिदहते सरवार लिख बहुत अच्छे अच्छे नाम लिख इकबार नाम लिख इकबार सल्लल्लाह को सो बार लिख दो कलम को आखिरी शेर के बकरईद ईद रमजान है मुसलमान के लिए ये बड़ा शेर आ रहा है यार ये बड़ा शेर आ रहा है के बकरईद ईद रमजान है मुसलमान के लिए ईद मिलादुन नबी को ईद मिलादुन नबी को ईद मिलादुन नबी को आलमी त्योहार लिख दो कलम को मुश्क से फिर मिदहते सरकार लिख नाम लिख इकबार नाम लिख इकबार कलम को धो कलम को